गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन शो ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। तो आज वीडियो नंबर 32 पे हम मूव करते हैं जिसमें हमें सप्लाई से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, सप्लाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर है जो डिस्कस करना है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द फॉलोइंग हेडलाइन अपीयर्ड इन द इकोनॉमिक टाइम्स। इकोनॉमिक टाइम्स एक पेपर है, लेट्स सपोज उसमें एक फॉलोइंग एक हेडलाइन है, वो हेडलाइन क्या है? इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन क्रूड एंड रिफाइंड एडिबल ऑयल अप बाई 5%। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि क्योंकि हम ज्यादातर पेट्रोलियम्स प्रोडक्ट या फिर पेट्रोलियम या फिर डीजल इस टाइप से जितनी चीजें रहती हैं हम इंपोर्ट करते हैं, यानी हम बाहर की कंट्रियों से मंगवाते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसकी प्राइस जो है वो 5% अप हो गई, यानी 5% से उसकी प्राइस बढ़ गई। फिर कह रहा है कि यूज अ डायग्राम एंड इकोनॉमिक थ्योरी टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑन द सप्लाई ऑफ क्रूड एंड रिफाइंड एडिबल ऑयल इन द डोमेस्टिक मार्केट। ये कह रहा है कि एक डायग्राम बनाइए और इकोनॉमिकली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए कि डोमेस्टिक मार्केट पे इस बढ़ती हुई प्राइस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे तो एक बात क्लियर है कि अगर प्राइस इंक्रीज कर गई है तो प्राइस के इंक्रीज करने से और अदर फैक्टर अगर हमारे कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि सप्लाई पे हमारे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि जब कम प्राइस थी प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा था तो हमारा सप्लायर ज्यादा सप्लाई करता था। लेकिन अब जो कि 5% यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राइस इंक्रीज कर गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि डोमेस्टिक मार्केट पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा ही। ग्राफ की मदद से इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने प्राइस मेंशन कर दी है और यहाँ पे हमने क्वांटिटी मेंशन कर दी है। लेट सपोज की प्राइस हमने यहाँ पे पी ले ली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन है जो डिस्कस करना है और ग्राफ दो सिचुएशन को बताना चाह रहा है। पहली सिचुएशन में जो मैंने ब्लू मार्कर की मदद से यहाँ पे लिखा है, टी पॉइंट पे मैंने लिखा है कि सप्लाई कर बिफोर इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। बिफोर इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब यह है कि ऑब्वियसली इंपोर्ट ड्यूटी तो हमें देना पड़ता है, यानी यहाँ पे बिफोर हाइक ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, यानी हम जब पी प्राइस पे अर्लियर सिचुएशन पे जब हमारी पी प्राइस थी तो अर्लियर सिचुएशन में हम कितना सप्लाई करते थे पीटी के करीब, पीटी यानी यहां से यहां तक करते थे, और ये तब करते थे जब हमारी इंपोर्ट ड्यूटी हाइक नहीं हुई थी। जैसे यहां पे ये कह रहा है कि 5% इंपोर्ट ड्यूटी हाइक हो गई, सर कहने का मतलब ये है कि पी प्राइस पे हम कितनी सप्लाई कर रहे थे पहले, पीटी के बराबर सप्लाई कर रहे थे, यानी जब हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा था तो हम बहुत ज्यादा सप्लाई कर रहे थे। लेकिन यहां पे एक बात ये कह रहा है कि प्राइस इंक्रीज कर गई, तो अब देखिए यहां पे दो पॉसिबिलिटी है। जब प्राइस इंक्रीज कर गई है तो एक बात तो ये है कि प्राइस इंक्रीज करने पे हमारा सप्लायर या तो उतनी ही सप्लाई करेगा, ठीक है, और या तो अपनी सप्लाई को घटा लेगा, ठीक है। तो यानी या तो वो पी प्राइस पे पीटी के बराबर सप्लाई कर रहा है या फिर पी प्राइस पे वो कहां पे आ जाएगा, वो बेसिकली पीके के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक बात और समझने वाली बात है कि जब जब प्रॉफिट मार्जिन कम होता है तो हमारा सप्लायर कम सप्लाई करने लगता है, क्यों? क्योंकि ज्यादा सप्लाई करने में उसको प्रॉफिट नहीं होगा, इसी वजह से वो पीटी से किधर की तरफ मूव कर जाएगा, पीके की तरफ मूव कर जाएगा। यानी एक बात और इसमें है कि जब प्राइस इंक्रीज करेगी तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि हमारा सप्लायर अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर दे। ये दो बातें इसमें मानी जा सकती है, या तो ये हम मान लें कि राइजिंग प्राइस जब हो गई तो जो पहले सप्लाई कर रहा था वो अभी भी करे, और हाई चांसेस ये है कि जब प्राइस राइज कर गई है तो वो अपनी सप्लाई को पीटी से किधर शिफ्ट कर देगा, पीके की तरफ शिफ्ट कर देगा, यानी अपनी सप्लाई को थोड़ा कम कर देगा। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओइंग टू पॉलिटिकल कंसिडरेशन, यानी पॉलिटिकल कंसिडरेशन यानी पॉलिटिकल रीजन की वजह से रशिया हैज बैंड द इंपोर्ट ऑफ सी फूड फ्रॉम द यूरोपियन कंट्री। रशिया ने यूरोपियन कंट्रीज से सी फूड मंगवाना बंद कर दिया। अब सी फूड क्या होता है? सी फूड बेसिकली वो फूड होते हैं जो सी से जनरेट होता है, जैसे मान लीजिए फिश की बात की जाए, शेल फिश और रो की बात की जाए, जैसे क्रैब हो गया, ये सारी चीजें जो हो गई जो कि समुंदर से अराइज होती हैं, उसका जो इंपोर्ट था वो बेसिकली रशिया ने मना कर दिया या बैन कर दिया या फिर मंगवाना बंद कर दिया यूरोपियन कंट्रीज से। क्वेश्चन कह रहा है हाउ वुड यू एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ दिस डिसीजन, इसको किस तरीके से आप देखते हो, ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ सी फूड फ्रॉम द इंडियन मार्केट। यानी अगर यूरोप से इस चीज को बंद कर दिया गया है तो इंडियन मार्केट जो इंडियन सी फूड मार्केट है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ऑन द डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सी फूड इन इंडिया, और डोमेस्टिक सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए सबसे पहली अगर हम बात करें एक्सपोर्ट ऑफ सी फूड फ्रॉम इंडियन मार्केट, तो ऑब्वियसली जब रशिया ने यूरोपियन कंट्रीज से
सी फूड का इंपोर्ट बंद कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन मार्केट के लिए एक अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया राइज हुई है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी सप्लाई रशिया को करें। पहली तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ओपन हुई है या फिर अराइज हुई है, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये बनेगा कि हमारे पास बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा, और बहुत सारा जब फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो उस फॉरेन एक्सचेंज की मदद से हम बहुत सारे अपने उस वर्क को कंप्लीट कर सकेंगे, या फिर ये कहा जाए कि अगर हम रशिया से आर्म्स परचेज करते हैं तो इसके फॉरेन एक्सचेंज के बदले हम रशिया से आर्म्स परचेज कर लेंगे। सेकेंड ये बात है कि ऑन द डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सी फूड इन इंडिया, देखिए होता यह है कि जब मेजॉरिटी ऑफ कोई मतलब कोई भी प्रोडक्ट का मेजॉरिटी हिस्सा जब हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं तो उसका डोमेस्टिक इम्पैक्ट ये पड़ता है कि डोमेस्टिकली उसकी शॉर्टेज पड़ जाती है, और जब भी शॉर्टेज पड़ेगी तो यहाँ पे उसकी प्राइस जंप करेगी। क्योंकि पहले होता ये था कि लेट सपोज की 100 मछली, लेट सपोज फिश की अगर हम बात करें कि 100 फिश अज्यूम कर लीजिए कि मार्केट में आ रही है तो 100 उसको डिमांड भी हो रही थी, लेकिन 100 में से 70 लेट सपोज रशिया चली गई तो मांगने वाले अभी भी कितने हैं, डिमांड करने वाले 100 लोग हैं लेकिन सप्लाई कितनी है 30 है, तो इस रीजन में उसकी जो प्राइस है वो बहुत जंप करेगी। तो ऐसी सिचुएशन अगर हो जाए कि हम अपनी सी प्रोडक्ट का मेजॉरिटी जो हिस्सा है वो रशिया को एक्सपोर्ट कर देंगे तो डोमेस्टिकली अगर ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ग्राफ हमारा जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, यानी एक तरीके से हम ये कहते हैं कि उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, और सप्लाई कम होगी तो उसका प्राइसेस जो होगा जंप करेगा बिकॉज ऑफ द रीजन की डिमांड और सप्लाई के बीच में एक मिसमैच क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा होगी लेकिन उसके मुकाबले सप्लाई बिल्कुल नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ द रीजन की अच्छा खासा मार्केट का जो पोर्शन था वो हम रशिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि द फॉलोइंग डायग्राम शोज द सप्लाई कर्व ऑफ थ्री कमोडिटीज, ये एक डायग्राम है जो तीन कमोडिटी के सप्लाई कर्व को शो कर रहा है, कमोडिटी ए, कमोडिटी बी, कमोडिटी सी, कह रहा है रैंक देयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी तीनों की आप रैंक बताइए, तीनों की वैल्यू बताइए कि तीनों किस फॉर्म में है। तो अब देखिए यहाँ पे ए कमोडिटी की बतानी है, सी बी की बतानी है और सी की बतानी है। तो अगर हम ए की बात करें तो ए में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ है। ये हम ग्राफ मान लेते हैं, ठीक है, ये ग्राफ जो है बेसिकली वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो वाई एक्सिस को जब टच कर रहा होगा तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी की क्या वैल्यू होगी जरा समझिए। मान लेते हैं हमारा सप्लाई कर्व ऐसे ड्रॉ हो रहा था, यानी अब अगला कैसे ड्रॉ होगा, और इसी वजह से ये वाई एक्सिस को टच कर जाएगा। देखिए वाई एक्सिस को जिधर हम प्राइस रहती है, एक्स एक्सिस की तरफ हमारी क्वांटिटी होती है। तो यानी ये क्या शो कर रहा है, ये बताना ये चाह रहा है कि हमारी क्वांटिटी सप्लाई लार्जर है प्राइस से। देखिए क्वांटिटी सप्लाई में इतना चेंज आ रहा है और प्राइस में कितना आ रहा है, सिर्फ इतना चेंज आ रहा है, यानी क्वांटिटी सप्लाई हमारी लार्जर है प्राइस से, और क्वांटिटी सप्लाई जब भी लार्जर होती है प्राइस से तो ये क्या सिचुएशन होती है, ये होती है इलास्टिक सप्लाई की सिचुएशन। और इलास्टिक सप्लाई की सिचुएशन में वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है हमारी ग्रेटर देन वन। यानी अगर हम ए कमोडिटी की बात करें तो यहां पे इलास्टिक सप्लाई क्या होगी, इट विल बी ग्रेटर देन वन, ठीक है, ये ग्रेटर देन वन हो जाएगी। अब नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं, यहां पे बी की बात की जा रही है कि बी की सिचुएशन में क्या होगा। अब देखिए बी का क्या है, बी का ग्राफ बी के लिए कह रहा है कि हमारा ग्राफ जो है बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि सप्लाई कर्व ओरिजिन से अगर स्टार्ट होके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इसका मतलब ये होता है, यानी ये बताना ये चाह रहा है कि क्वांटिटी सप्लाई बिल्कुल बराबर है प्राइस के, और क्वांटिटी सप्लाई जब प्राइस के बराबर होता है तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसके बराबर हो जाता है, इक्वल टू वन। इक्वल टू वन का क्या मतलब है कि जितना इंपैक्ट प्राइस पे पड़ रहा है एग्जैक्टली उतना ही इंपैक्ट सप्लाई पे पड़ रहा है, यानी प्राइस अगर एक रुपए से बढ़ रही तो सप्लाई भी एक से बढ़ेगी, प्राइस एक से घट रही है तो सप्लाई भी एक से घटेगी। अब तीसरे ग्राफ की तरफ आ जाते हैं, तीसरा ग्राफ क्या कह रहा है कि सी या सी किस पे प्लॉट हो रहा है, किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अब देखिए एक्स एक्सिस को टच कर दिया क्या मतलब है, ये हम मान लेते हैं कि हमारा प्राइस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये क्वांटिटी है, देखिए यहां पे क्या बताया है, क्वांटिटी इतने से चेंज हो रही है,
प्राइस बहुत ज्यादा से चेंज हो रही है, इसका मतलब कि प्राइस इज लार्जर देन क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है, प्राइस इज लार्जर देन क्वांटिटी सप्लाई, यानी प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई। तो यहां पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाती है, लेस देन वन, यानी ये क्या रहेगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन वन के बराबर हो जाएगी। सो ये कुछ कंडीशंस थी कि वाई एक्सिस की तरफ टच हो रहा था तो ग्रेटर देन वन है बिकॉज ऑफ द रीजन कि क्वांटिटी सप्लाई से ज्यादा थी, इक्वल टू वन है तो क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस बिल्कुल बराबर हो जा रही है, और यहां पे ग्रेटर देन वन है, सॉरी आई मीन लेस देन वन है, तो लेस देन वन की कंडीशन में क्या हो जाता है कि क्वांटिटी सप्लाई कम होती है प्राइस के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ 20% राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इट्स सप्लाइज इंक्रीजेस बाय 30%, कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये कह रहा है कि 20% कमोडिटी में राइज होने की वजह से प्राइस में राइज होने की वजह से सप्लाई 30% इंक्रीज कर गई है, कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब देखिए यहां पे हम मान लेते हैं कि P0 हमारी, लेट सपोज अज्यूम कर लेते हैं कि 100 रही होगी, 100 रुपीज, ठीक है, यानी पहले प्राइस हमारी 100 रही होगी तो 20% राइज कर गई, तो अब P1 कितनी हो जाएगी, P1 हो जाएगा हमारा 20% ऑफ 100, तो कितना आ जाएगा 20/100 × 100, तो कितना आ गया 20। तो इसका मतलब कि पहले प्राइस थी 100, बाद में 20 से चेंज होके ये हो गई 120, यानी हमारी P1 कितनी हो गई 120। अब सप्लाई कितनी इंक्रीज कर रही 30%, तो मान लेते हैं कि क्वांटिटी सप्लाई Q0 जो थी हमारी, Q0 हमारी पहले थी, इसको भी मान लेते हैं 100, ठीक है, उसके बाद Q1 में 30% चेंज आया है, यानी 30% ऑफ 100 कितना हो जाएगा 30/100 × 100, ये हो गया 30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100+30=130, ठीक है, तो यानी प्राइस जब 100 थी, क्वांटिटी सप्लाई 100 थी, प्राइस इंक्रीज होके 120 पहुंची, तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी पहुंच गई 130। तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, हम डेल्टा क्यू देख लेते हैं, यानी चेंज इन क्वांटिटी कितनी हुई है, चेंज इन क्वांटिटी है 130-100=30, चेंज इन प्राइस कितनी है, चेंज इन प्राइस है 120-100=20, और पी और क्यू हमारे पास क्या है, इनिशियल प्राइस क्या है 100 है और इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 100 है, तो ये कितना हो जाएगा Q/P × Q, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू हो जाएगा 30, डेल्टा पी कितना हो जाएगा 20, इनिशियल प्राइस कितनी है 100, इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 100, यहाँ से यहाँ कट गया, ये कट गया, कितना आ गया 1.5, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसके बराबर आ गई 1.5 के बराबर। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस मार्जिनल प्रोडक्ट, हाउ वुड इट अफेक्ट सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म। ये कह रहा है कि नई टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन होने की वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट आ जाता है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है, जब हम कॉस्ट की तरफ आएंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे, यानी जब नई टेक्नोलॉजी आ गई उसकी वजह से हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिए हैं, हाउ वुड इट अफेक्ट द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म। ऑब्वियस सी बात है कि नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है वो कम हो जाएगा, नई टेक्नोलॉजी हमारे सामान को कम दाम में बनाएगी, तो इसका सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सप्लाई कर्व पे ये इफेक्ट पड़ेगा कि हम पहले लेट सपोज पी के सप्लाई कर रहे थे, बेटर टेक्नोलॉजी आने की वजह से हमारी सप्लाई किधर मूव कर जाएगी, पीटी की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा प्राइस है, यानी पर हेड कॉस्ट जो होगी वो हमारी कम होगी, प्रॉफिट मार्जिन हमारा इंक्रीज होगा, हम पहले ही सिचुएशन में पीके कर रहे थे, फिर पीके से किधर मूव कर जाएंगे, पीटी की तरफ मूव कर जाएंगे, जो अपने आप में ये बात बता रहा है कि देयर इज अपग्रेडेशन एंड टेक्नोलॉजी, और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, और प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होने की वजह से हमारा ग्राफ राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन थे जो कि थ्योरी ऑफ सप्लाई से रिलेटेड थे। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, प्लीज अपने कमेंट को बराबर देते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए, आपका सिंगल सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा इग्नाइट करता है, आपका सिंगल सब्सक्राइब शो करता है कि आप हमारे चैनल को कंटिन्यूअसली सपोर्ट कर रहे हैं, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको क्विक और कंसिस्टेंट रिमाइंडर मिलता रहे। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।